आप सुन रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय एचडी स्मार्टकास्ट। आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे सेक्स से संबंधित सभी जानकारियाँ, चाहे वो सेक्सुअल हेल्थ हो, हाइजीन टिप्स हो, रिलेशनशिप हो या उससे जुड़ी कोई भी समस्या। तो आइए लेट्स टॉक खुलकर। लोग कहते हैं कि माँ बनना दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अगर आप किसी माँ से इस बारे में पूछेंगे तो वो यकीनन हामी भरेगी, लेकिन इस बात के लिए भी मना नहीं करेंगी कि प्रेगनेंसी अपने साथ एक माँ के लिए कई सारे हेल्थ चैलेंजेस लेकर आती है, जैसे कि वजाइना का बड़ा होना, यूरिन पर कंट्रोल ना रहना, स्टूल पास करने में दिक्कत होना, बढ़ता हुआ वजन और डिप्रेशन। इन बदलावों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, खासकर की नई माँ को और उनके पार्टनर को, ताकि ये समझा जा सके कि कौन से बदलाव नॉर्मल हैं और कुछ ही समय में ठीक हो जाएंगे और कौन से वो बदलाव हैं जिनके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अक्सर डिलीवरी को प्रेगनेंसी का सबसे मुश्किल पार्ट समझा जाता है, लेकिन असल में डिलीवरी के बाद भी यानी पोस्ट प्रेगनेंसी इन मुश्किलों की लिस्ट काफी लंबी होती है, क्योंकि पार्टी तो अभी शुरू हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बच्चे के रात भर जागने और उसकी जरूरतों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि यहाँ हम बात कर रहे हैं एक महिला के शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में। इन बदलावों को एक पुरुष के लिए समझना और महसूस करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यकीनन उन्होंने तो बच्चा पैदा किया नहीं है ना। और रही सही कसर वो आंटियां पूरी कर देती हैं जो ये कॉमेंट करती हैं कि अरे आजकल के यंगस्टर्स तो बड़े नखरे करते हैं, हमने भी तो अपने जमाने में चार चार बच्चे पाले थे। बहरहाल हम तो बात करेंगे, तो चलिए आज बात करते हैं उन बदलावों के बारे में, उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो एक महिला पोस्ट प्रेगनेंसी यानी डिलीवरी के बाद देखती है। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का विकास यूट्रस यानी गर्भाशय में होता है, और जाहिर तौर पर जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है यूट्रस एक गुब्बारे की तरह बढ़ता जाता है। एक नॉर्मल यूट्रस तकरीबन 3 इंच लंबा होता है, कुछ एवोकाडो जितना, और प्रेगनेंसी के आखिर तक ये तकरीबन 12 इंच यानी कि एक बड़े कद्दू जितना फैल जाता है। डिलीवरी के 24 घंटे बाद ये वापस अपनी शेप में आने लगता है और हर दिन तकरीबन 1 सेंटीमीटर तक सिमटता है। आमतौर पर डिलीवरी के तकरीबन 12 हफ्तों में, जिसे प्यूरपेरियम पीरियड कहा जाता है, ये अपनी पहली पोजीशन में पहुंच जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये इशारा है कि शरीर में कुछ गड़बड़ है। यूट्रस जब सिकुड़ता है तो इस दौरान इसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जिसके कारण माँ को दर्द महसूस होता है। कॉन्ट्रैक्शन इस बात का सबूत है कि यूट्रस फिर से अपनी जगह पर वापस पहुंच रहा है। शरीर में इन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाने का काम करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसीलिए कहा जाता है कि डिलीवरी के बाद जितना जल्दी हो सके माँ को बच्चे को दूध पिलाना शुरू करना चाहिए, जिससे शरीर में ज्यादा ऑक्सीटोसिन बन सके। जिन्हें पता नहीं है उन्हें बता दें कि ये हार्मोन किसी अपने के साथ फिजिकल टच से बढ़ता है, जैसे कि पार्टनर को गले लगाना, किस करना या फिर माँ का बच्चे को दूध पिलाना। ब्रेस्ट फीडिंग के बाद कॉन्ट्रैक्शंस और दर्द दोनों बढ़ जाते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो जो महिलाएं अच्छी तरीके से ब्रेस्ट फीड कराती हैं, उनका यूट्रस ज्यादा तेजी से कम होता है। डिलीवरी के बाद होने वाला पीरियड जैसा स्त्राव, जिसे लोकिया कहा जाता है, इसे भी रोकने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन बेहद मददगार है। ये तेजी से खून के थक्के जमाने में मदद करता है। डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट की शेप भी बदल जाती है, ये साइज में पहले से ज्यादा बड़े, भारी और सख्त हो जाते हैं, जो कि ज्यादातर महिलाओं के लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है। माँ जैसे जैसे ब्रेस्ट फीडिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ाती है ये और भी बड़े होने लगते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रेस्ट फीडिंग से ब्रेस्ट सैगिंग की समस्या भी होती है, जो कि एक मिथ है। जब ब्रेस्ट आकार में बड़े होते हैं तो इसकी वजह से स्किन खिंचती है। इसके बाद जब ब्रेस्ट दोबारा अपनी पहले जैसी शेप में आते हैं तो स्किन लटकती नजर आती है, लेकिन ये समय के साथ ठीक हो जाता है। ब्रेस्ट सैगिंग की मुख्य वजह ब्रेस्ट फीडिंग नहीं बल्कि उम्र के साथ कम होती स्किन की इलास्टिसिटी है। जिन महिलाओं के ब्रेस्ट बड़े होते हैं उन्हें ब्रेस्ट सैगिंग की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। कई महिलाओं को ये समस्या इसलिए भी बनी रह सकती है क्योंकि उन्होंने 2 या ज्यादा बच्चों की डिलीवरी के बीच ज्यादा गैप ना रखा हो और ब्रेस्ट को फिर से शेप में आने का वक्त ना मिला हो। डिलीवरी के बाद वजाइना का साइज बढ़ना भी नॉर्मल है। वजाइना एक इलास्टिक ऑर्गन है जो कि समय के साथ पूरी तरीके से अपनी शेप में वापस लौट जाती है। इसे पूरी तरीके से ठीक होने में 3 से 6 महीनों का समय लग सकता है।
वजाइना का फिर से अपनी शेप में लौटने का वक्त इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपकी डिलीवरी आसान थी या फिर मुश्किल। कई बार वजाइना का साइज बाहर फैले सर्विक्स की वजह से बड़ा दिखने लगता है और ये भी कुछ ही हफ्तों में लगभग पूरी तरीके से नॉर्मल शेप में लौट जाता है। प्रेगनेंसी के बाद बढ़ा हुआ वजन भी कई महिलाओं को परेशान करता है। बच्चा तंदुरुस्त हो इसके लिए आप जम कर खाती हैं। उस दौरान तो वजन पर किसी का खास ध्यान नहीं जाता, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद जब एक ही महीने में पेट कम ना हो तो टेंशन होने लगती है। आपको ये समझने की जरूरत है कि हर महिला का शरीर अलग होता है और इसी तरीके से वजन घटाने में किसी महिला को कम और किसी महिला को ज्यादा समय लग सकता है। प्रेगनेंसी के बाद आप बाहर से कैसी दिखती हैं इससे कई ज्यादा आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आप अंदर से कैसा महसूस करती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी का असर आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग पर भी होता है। प्रेगनेंसी के बाद तकरीबन 80% महिलाएं पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी डिलीवरी के बाद होने वाले तनाव से जूझती है। इसे बेबी ब्लूज भी कहा जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे शारीरिक बदलाव, नींद की कमी और हॉर्मोन्स। इसी के साथ ब्रेस्ट फीडिंग के समय शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन कई गुना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से महिलाएं ज्यादा इमोशनल महसूस करती हैं। इसी के साथ शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन भी बढ़ जाता है, जो कि महिला की सेक्स डिजायर को कम करता है। डिलीवरी के समय जो चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में, आपके पेट में या वजाइना में, वो 3 से 6 महीने के बीच में ठीक हो जाते हैं। शुरुआती दिनों में आपको डॉक्टर कुछ एंटीबायोटिक और कुछ पेन किलर्स प्रिस्क्राइब करेंगे। उन दिनों अगर आप सिड्स बाथ लेंगे, माने हल्के गुनगुने पानी में बीटाडीन या कोई भी एंटीबायोटिक सॉल्यूशन डाल के उसमें बैठेंगे और अपने टाके, अगर आपके कुछ नीचे टाके लगे हैं उन टाकों पे आप कोई भी एंटीबायोटिक क्रीम लगाएंगे, तो उससे भी आपकी वजाइना में हीलिंग जल्दी होगी। इसके अलावा आप कोल्ड पैड्स भी लगा सकते हैं। कुछ दिनों के बाद आप कीगल्स एक्सरसाइजेस या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस से नीचे की मसल्स मजबूत होंगी और आप यूरिन और मोशन को भी कंट्रोल आराम से कर पाएंगे। जब इंटरकोर्स करेंगे तो उस टाइम आप कोई डिफरेंट पोजीशंस ट्राई कर सकते हैं या लुब्रिकेंट का भी यूज कर सकते हैं। यकीनन जब नया मेहमान घर पर आता है तो घर वालों का एक्साइटमेंट काफी बढ़ जाता है, लेकिन हो सकता है कि इस बीच आप नई माँ को नजरअंदाज कर दें। हालांकि हो सकता है कि नई माँ आपसे इस बारे में कुछ भी ना कहे, क्योंकि वो तो माँ है, लेकिन उनकी जरूरतों का ख्याल रखना, उनके शरीर में होते बदलाव को समझना आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर वो आपसे कहती है कि वो फिलहाल आपके साथ संबंध बनाने में सक्षम नहीं है, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है या फिर उन्हें किसी और किस्म की समस्या है, तो बहुत जरूरी है कि आप उनके साथ तसल्ली से बैठकर बात करें खुलकर, और अगर जरूरत पड़े तो एक अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट से सलाह लें। वजाइना एक इलास्टिक ऑर्गन है, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। कई सारी महिलाओं के सवाल होते हैं कि डिलीवरी के बाद उनकी वजाइना का साइज बढ़ गया है और उन्हें सेक्स करने में बेहद दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपकी वजाइना 3 से 6 महीने के अंदर अंदर अपनी पुरानी शेप में वापस लौट जाती है। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अपना फीडबैक शेयर करने के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब एंड ट्विटर पर। हमारा हैंडल है @HTSmartcast। साथ ही ऐसे और पॉडकास्ट सुनने के लिए आप लॉग इन करें www.htsmartcast.com पर। इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HTSmartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.htsmartcast.com।